हरे कृष्णा। ओ भजन गाएंगे यही बार, करो ना करो वैष्णव गोसाई है। यही बार करो ना करो वैष्णव गोसाई, पतिता पावना तोमा बिना के हना, जहाँ रनिकाटे गेले पाप दूरे जाए, हे माना दयाला प्रभु के बको था पाए, गंगा रा पराशा हैले पाश्चाते पावान, दर्शने पवित्र करो ए तोमार गो, हरि स्थान आप राधे तारे हरि नाम, तोम स्थान आप राधे नाहि कहे पर नाहि कपरित्रान, तुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मामा वैष्णव परां, प्रति जन्मे कारी आशा चरणे रधोली, नरोतम कर दया अपनार बाली,
एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतिता पावना तोमा बिना के ना जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभु पदा श्रीला प्रभु पदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं
राधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और दाद देनी पड़ेगी आप भक्तों की, बहुत श्रवण की कैपेसिटी है आपकी भाई आप मुझ जैसे भक्त से सुन रहे हैं तो पूरा आपका सहनशीलता चेक हो रही है ना। त्रिनादेपी सुनिश्चिन की ट्रेनिंग मिल रही है आपको तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करते हुए, और जितना हम प्रहलाद महाराज कॉन्शियस होंगे उतना हम नरसिंह भगवान कॉन्शियस होंगे तो जितना हम प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करेंगे, किन परिस्थितियों में उन्होंने इतनी उत्तम भक्ति की, उतना हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ेगा, हमारे भक्ति में दृढ़ता आएगी। और इस तरह से प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करके हम अभी भी प्रहलाद महाराज का संग कर सकते हैं। एक बारी प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद बता रहे थे कि 12 महाजन हैं, तो एक शिष्य सामने बैठे थे फ्रंट रो में, एंड प्रभुपाद यू आर द 13th, प्रभुपाद तुरंत यू आर द 14th। सो प्रभुपाद एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब महाजन बने, है ना। तो बोले नहीं नहीं, हम कैसे नहीं, क्यों नहीं, जैसे हम पहले आमरा से गुणों को देख सुनते हैं, प्रभुपाद जी के गुणों को सुनते हैं, षड गोस्वामी के गुणों के, अपने पूर्ववर्ती आचार्य को गुणों को सुनते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है और इंस्ट्रक्शंस भी मिलती है, है ना। तो प्रेरणा भी मिलेंगी और कुछ आदेश भी मिलते हैं जिनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भी इस स्तर पे आ सकते हैं। तभी बोला गया महाजनों ये गता सपन था। तो अपने चर्चा जो सुबह छोड़ी थी हम लोग भागवतम के सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय के 30वें और 31-32 श्लोक में चर्चा कर लेती है। स्क्रीन पे कौन सा श्लोक है अभी, 31। तो इसमें प्रहलाद महाराज के अन्य गुणों का वर्णन हुआ था। 30वें श्लोक में बताया था कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे ज़्यादा सुयोग्य थे वो थे प्रहलाद महाराज। और क्यों थे ऐसा, क्योंकि वो बहुत गुणवान थे, और गुणवान क्यों थे, क्योंकि वो डिवोटी थे, महत्व पा सकते। फिर कौन कौन से गुण थे वो 31 और 32 में चर्चा हुई थी। सभी ब्राह्मणों के गुण थे, सत्य संत थे, भगवान को जानने के लिए पूर्ण दृढ़ थे, जितेंद्रिय थे, सभी भूतों को एक समान, सभी जीवों को एक समान देखते थे, सबके प्रिय मित्र थे, और जो उनसे बड़े थे उनके प्रति दास होने की भावना रखते थे, जो उनसे छोटे थे उनके प्रति पिता के समान रहते थे, अपने से समान के मित्र के समान रहते थे, और उनको इतनी विद्या इतना रूप जन्म था लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं था। ओके, तो हमने चर्चा की थी कि इन सारे गुणों को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, चर्चा की थी ना। तो क्या चर्चा की थी, क्या कैसे उतार सकते हैं इन गुणों को, प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो हम हरि नाम भी लेते रहेंगे, वो हैंडपम्प चलाने के समान है, और ऊपर से इन गुणों का अभ्यास भी करते रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इन गुणों को विकसित करने के लिए, क्या चर्चा की थी कि बहुत ज़रूरी है भक्तों के लिए, बिहेवियर डीलिंग्स,
कैसे हमारा व्यवहार है, कैसे हमारा आदान प्रदान है, कैसे हमारी सोच है, कैसे हमारा दृष्टिकोण है, क्या हमारा रवैया है, कैसे हमारी जीवन शैली है, ये बहुत निर्भर करता है हमारे को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये सब ठीक नहीं है तो अच्छे ढंग से भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए इन बातों में बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देखेंगे एक टी शर्ट आ रही है, उसमें लिखा होता है बीइंग ह्यूमन। तो बड़ा अच्छा स्लोगन है, इफ़ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन, एटलीस्ट ह्यूमन तो रहिए, है ना। तो अगर हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो एटलीस्ट मानव के स्तर पर तो रहें, मानवीय व्यवहार तो रहे, है ना। तो कई बार हम लोग सोचते हैं पूरे ट्रांसजेंडर है, कोई रेड लाइट हमें नहीं रोक सकती, कोई सरकार का नियम हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि हम 16 माला का जप कर रहे हैं। अरे आप 16 माला का जप कर रहे हैं, अपनी जगह पे कर रहे हैं। नहीं, एक बार हमारे भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, तो वह एक चप्पल खरीदने गए दुकान में। तो वो थोड़े डैशिंग ब्रह्मचारी थे, MBA किया हुआ था उन्होंने, तो अच्छी सी चप्पल ली और दुकानदार को कन्विंस कर दिया, उसने फ्री में दे दी। बोले एक बार उन्होंने बोला हमें अपना जीवन समर्पित किया, अभी कुछ दो, तो वो इंप्रेस हो गया, दे गया। दूसरे ब्रह्मचारी को भी मालूम चला, वो भी उसी दुकान पे गया। उसने भी ऐसा ही किया, उसको चप्पल ली, उसने बोला हमने अपना जीवन समर्पित किया। उसको गुस्सा आ गया, मुझसे पूछ के किया था क्या पहले? आए थे, रोज आए थे, चप्पल फ्री में दो, क्यों फ्री में दे भाई? तो हमें नहीं सोचना चाहिए, हम भक्त बन गए तो पूरा संसार अब हमारे हिसाब से चलना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी हम कर सकते हैं। नहीं, जो एक साधारण एक सज्जन व्यक्ति से जो व्यवहार की अपेक्षा की जाती है वो करना चाहिए, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए थे इसके। तो अब हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 33 के ऊपर, ठीक है, आ गया स्क्रीन पे। ओके। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राणा शरीराधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा। तो ये नारद मुनि जी वर्णन कर रहे हैं, ना उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, व्यसनेषु जो अर्थ है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था, विचलित नहीं होता था, निष्प्रिय है और हमेशा भौतिक इच्छाओं से रहित रहते थे। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्, अच्छी अच्छी इंद्रतृप्ति की वस्तुओं के बारे में सुनकर भी देख कर भी उनकी कोई रुचि नहीं थी इंद्रतृप्ति में। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर अधि सदा, हमेशा संयम था अपनी इंद्रियों में, अपने प्राणों में, अपनी बुद्धि में, अपने शरीर पे। प्रशांत कामों, सभी प्रकार के काम इच्छाओं से रहित, प्रशांत रहित, तो असुरासुरा और असुर परिवार में होते हुए भी असुर नहीं थे। इतना सुंदर गुण है, थे वो असुर परिवार में फिर भी असुर नहीं है। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है ना। इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उन्हें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे, ब्राह्मण्य शील संपन्ना। कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। छोटा मत बहुत ही सशक्त तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आध्यात्मिक जीवन में ये निर्भर नहीं करता कि हम किस कुल से हैं, किस जाति से हैं, किस वर्ण से हैं, किस आश्रम से हैं, इसे कोई निर्भर नहीं करता। हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान से प्रेम करना। जीव और भगवान का एक ही संबंध है और उस संबंध का नाम है प्रेम, है ना। और बिना इस प्रेम के कोई भी जीव संतुष्ट नहीं रह सकता। तो प्रेम करना, और इसको हम इस संसार में आके भूल गए हैं। हम इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और कृष्ण को भूल गए हैं। कैसे संसार की वस्तुओं से प्रेम छोड़कर हम भगवान से प्रेम करें, ये हमें गुरु सिखाते हैं। तो गुरु के निर्देशन में कोई भी भगवान से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना सीख सकता है। और जैसे हम कृष्ण से प्रेम करना सीखते हैं, सारे के सारे अच्छे गुण हमारे में प्रकट होते हैं जो यहाँ बताए गए हैं। तो असुरो असुरा,
चाणक्य पंडित भी कहते हैं और प्रभुपाद उनको अक्सर कोट किया करते थे कि किसी जंगल में जो कि कांटों भरा जंगल है, कांटों वाले सारे पेड़ हैं, उसमें एक भी सुगंधित फूल हो तो पूरे जंगल में महक आती है। इसी प्रकार से किसी जंगल में एक पेड़ को भी आग लग जाए तो पूरे जंगल को वो तहस नहस कर देता है। किसी कुल में एक भी प्रहलाद जैसा भक्त हो गया तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, और किसी कुल में एक भी दुर्योधन जैसा कुपुत्र हो गया पूरे कुल का नाश हो जाता है, है ना। तो दुर्योधन को बहुत काउंसलिंग दी थी विदुर ने, लेकिन वो माने नहीं। धृतराष्ट्र को भी समझाया था, धृतराष्ट्र बोले अब क्या करें, सब भाग्य की बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, जानता हूँ गलत कर रहे हैं लेकिन जो हो रहा है भाग्य है। तो उसने भाग्य के ऊपर सारा टाल दिया, अपनी कमजोरी को भाग्य का नाम दे दिया। और इसी ढंग से रावण को भी विभीषण ने खूब सलाह दी, गलत है, नहीं माना। इवन कुंभकर्ण ने भी रावण को परामर्श दिया, डांटा तुमने क्या कर दिया। उसने बोला क्या सीता का अपहरण मुझसे पूछ के किया था, जो अब बुला रहे हो, अब मुझे को लड़ाई करने के लिए बुला रहे हो। क्योंकि जब सीता का अपहरण किया था तो कुंभकर्ण अभी अभी सोया था, कुछ ही दिन हुए थे, वो 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था। तो क्राइसिस आ गया रावण के जीवन में, तो उठाना पड़ा, जल्दी उठा दिया। तो बड़ा दुख हुआ, क्यों उठाया मुझे, बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले मुझसे पूछ के सीता को लाए थे, क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, भाई है तो लड़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया कि आपने गलत किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कुल में, चाहे वो असुर कुल क्यों ना हो, अगर एक भी भक्त बनता है तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। और इसे हम ये भी सीखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि मैं इन परिस्थितियों में अकेला पड़ रहा हूँ, कितना जूझूंगा मैं, कोई भी आसपास का वातावरण बहुत ख़राब है, मैं अकेला जूझ रहा हूँ, प्रभु जी थक गया हूँ मैं, आप जैसा वातावरण अनुकूल नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। कई बार जो गृहस्थ पारिवारिक जीवन में लोग होते हैं तो परिवार की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती और बहुत उसको कष्ट दे रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपना जप कर पाता है। कई ऐसे भक्त हैं जिनको रात को 2-2 बजे उठ के वो जप करते हैं, है ना, छिप छिप के जप करते हैं बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में। कईयों में कोई माता जी भक्त बन जाती हैं तो पूरे घर में उनका विवाह हो गया कहीं पे और पूरे ससुराल में कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है, फिर भी वो माला कर रहे हैं। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में कोई फंस जाता है तो बोले कैसे भक्ति करेंगे। तो आप प्रहलाद जैसे किसी को विपरीत परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगे। तो हमें दृढ़ता प्रहलाद से कहने, अगर हमें, हम देखेंगे इस संसार में जितनी भी क्रांतियाँ आई हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, एक व्यक्ति द्वारा शुरू होती है। प्रभुपाद जी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्णा भावित आंदोलन शुरू किया, है ना। इसीलिए कहीं भी आएंगे, केवल एक शुद्ध भक्त भी है तो वो पूरे वातावरण को बदल सकता है ना। ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब अपने 6ठे महीने में पहुंच गए तपस्या के, तो एक पांव पर खड़े हो गए और अपने एक अंगूठे से उन्होंने पृथ्वी को दबा रहे थे और पूरी की पूरी पृथ्वी हिलने लगी, है ना, ऐसे हिलने लगी जैसे एक नाव में हाथी चढ़ जाए और हाथी चले तो पूरी नाव हिलने लगती है। सभी देवतागण त्राही त्राही मच गए, हो क्या रहा है ना। और उन्होंने पूरी हवा को अंदर ले लिया तो पूरे ब्रह्मांड में सब को चोकिंग होने लगी, हवा खत्म हो गई। तो प्रभाव बता रहे हैं ये है, एक शुद्ध भक्त बन जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड को वो प्रभावित कर सकता है ना। प्रभुपाद जी अकेले भक्त थे, पूरे विश्व को बदल दिया उन्होंने। कैसी परिस्थितियां थी प्रभुपाद जी के जीवन में, कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। तो कई बार अगर हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फंस जाते हैं तो विचलित नहीं होना चाहिए, वो कभी भी विचलित नहीं हुए। व्यसनेशु, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए। तो क्या शक्ति थी, कैसे वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं गुरु के निर्देशन में। हमेशा प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें समझ में आ गया। हर परिस्थिति में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, गुरु के निर्देशन को कभी नहीं भूले और कैसे शांतिपूर्वक उसका पालन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास जो मर्जी हो रहा है होने दो, वी शुड डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, जो मेरा धर्म है उस परिस्थिति में उसका पालन करूँगा और करते रहे शांतिपूर्वक,
पहाड़ से ऊपर नीचे फेंकवा दिया, गरम तेल में तलवा दिया, सांपों के कुएं में डाल दिया, जहर पिला दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। नहीं, प्रहलाद महाराज ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, जो नारद मुनि के आदेश थे, शिक्षाएं थी, उनको ग्रहण किया और बड़ा शांतिपूर्वक उनको पालन करते रहे। तो ये करेंगे तो हम कभी भी उद्विग्न नहीं होंगे, अन्यथा इस संसार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि शांत रहना बहुत कठिन है। सदा सुमित बिन असत ग्रह, हमेशा हमें ऐसी परिस्थितियां विचलित करती रहेंगी। तो क्या करें, जो हमारे आदेश हैं गुरु के उनको याद रखें। जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में गए, बहुत संघर्ष किया, तो कई बार ये प्रभुपाद हताश हो जाते थे और हताश होकर डॉकयार्ड में आते थे ये देखने के लिए कि भारत में जहाज वापस कब जा रहा है, और जाके पूछते भी थे, और पूछ के जैसे ही हताश होते थे तभी वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के आदेशों को याद करते थे, दोबारा से उनको शक्ति आ जाती थी, फिर से प्रयास करते थे, प्रयास विफल होते थे, फिर सोचते थे क्या करूं, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर से जाते थे। तो वहाँ के क्लर्क बोलते थे, स्वामी जी आप आते हो, पूछ के चले आते हो, हाँ, प्रभुपाद हमें कभी जाऊँगा तो नहीं वापस क्योंकि प्रभुपाद को बार बार वो आदेश याद आते थे कि मेरे गुरुमा मुझसे क्या चाहते हैं, है ना। तो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए गुरु के आदेशों को, गुरु साधु और शास्त्रों के आदेशों का भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तब तक नहीं गए जब तक उन्होंने भागवतम का पहला स्कंद नहीं लिख लिया, और भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। तो प्रभुपाद उनको अपने साथ लेकर गए, है ना। और जब प्रभुपाद ने बोस्टन में उतरे और देखा वहाँ की स्थिति, ऐसी स्थिति है कि लोग इतने रजोगुण और तमोगुण में हैं, तो प्रभुपाद घबरा गए, कैसे इनके ऊपर ये संदेश काम करेगा। लेकिन प्रभुपाद ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जैसे एक क्षत्रिय युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपनी तलवार को चूमता है, प्रभुपाद ने भागवतम को अपने सर पर लगाया और फिर भागवतम के संदेश में पूरा विश्वास था। नष्ट प्राय शिव अभद्रेशु नित्यम भागवत से भया, इनको भागवतम का संदेश दूंगा तो धीरे धीरे इनके भी सारे जो अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद को भागवतम के संदेश में, गुरु के आदेशों में, हरि नाम पे पूरा विश्वास था, है ना। इसी कारण से वो विचलित नहीं हुए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, है ना। एक डेविड नाम का लड़का था जो प्रभुपाद को सपोर्ट कर रहा था, प्रभुपाद को लगा ये ब्राह्मण बन जाएगा, सबसे पहले इसको दीक्षा दूंगा। प्रभुपाद ने चिट्ठी भी लिख दी अपने गुरु भाई को, यहाँ एक लड़का है उसको मैं दीक्षा देने वाला हूँ, ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा। उसी रात को गए तो डेविड ने बहुत नशा किया था, पागल हो गया, प्रभुपाद पे आक्रमण कर दिया, उसने सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। प्रभुपाद सड़क पे आ गए, एकदम देखिए विदेशी भूमि में कोई जान पहचान नहीं, रात के 1:30 बजे सड़क पे खड़े हैं, बताइए 70 साल की आयु है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया प्रभुपाद ने, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये दृढ़ता कैसे आई, गुरु के आदेशों का हमेशा उन्होंने याद रखा, है ना। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट आए लेकिन वो कष्ट महसूस ही नहीं हुए, है ना। ऐसा लिखे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब असुरगण उनको बड़े बड़े भरछे मारते थे तो वो फूल बन जाते थे, क्योंकि हर चीज़ का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो परमात्मा है, सुपर सोल है। तो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, जब तक भरछा तभी काम करेगा जब मैं चाहूँगा। तो मार रहे हैं वो भरछे, उसको चुबो रहे हैं, उनको चुभी नहीं, उनको लगे फूलों फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा समाधि में लीन है। एक बार शिला प्रभुपाद जी मायापुर में चैतन्य मठ के सामने से निकल गए गाड़ी में, तो उनके गुरु भाइयों ने उनकी बहुत निंदा की, एक ऐसे शिष्य हैं थोड़ी गाड़ी को रोक कर समाधि में आते, अपने गुरु को प्रणाम तो करते, है ना, एक ऐसे शिष्य हैं। तो प्रभुपाद को मालूम चला, प्रभुपाद हंसने लगे, बोले यार वो उनको जानते नहीं, मैं अपने गुरु को कभी भूला ही नहीं, है ना, मेरे गुरु मार हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो अगर मैं नहीं भी उतरा तो इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, वो मैं हमेशा उनके गुरु के आदेश अपने साथ रखता हूँ, है ना। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हमें गुरु का संग कैसे करना चाहिए, मतलब गुरु के आदेश हमें हमेशा अपने साथ ऐसे रखने चाहिए जैसे सूर्य हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है। हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाएँ, हम ऊपर देखेंगे तो सूर्य हमारे सर के ऊपर है, बस। तो हमेशा गुरु के आदेशों का संग करें चाहे हम कहीं भी हों, तो वो हमें हमेशा अपने ट्रैक पर रखेंगे और हम विचलित नहीं होंगे।
अन्यथा इस संसार में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत प्रलोभन है, हम तो कभी भी विचलित हो जाएंगे। इसलिए गुरु के आदेशों को, और हमें गुरु के आदेश प्राप्त होते हैं उनके प्रवचनों से, ग्रंथों से, प्रभुपाद जी के आदेश हमें प्राप्त होते हैं, तो इनको हमें इन पर मनन करना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए। देखिए जब भी हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग का पूरा लाभ तब होगा जब हम उनके वचन सुन के उन पर मनन करें। हेलो, कहा जाता है संगात संजायते कामा, जैसा संग करेंगे वैसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो मन तीन स्टेजेस में काम करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जैसे ही हम कुछ सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो संग में हम कुछ सुनते हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उस पर थिंकिंग, सोचना चाहिए, फीलिंग, उस पर मनन करेंगे, तब विलिंग, तब इच्छा उत्पन्न होगी, तब हमारे हृदय की जो इच्छाएं हैं वो बदलेंगी। अगर थिंकिंग और फीलिंग की स्टेज में लाएंगे ही नहीं उसको, तो विलिंग नहीं आएगा, तो संगात संजायते कामा नहीं होगा। इसलिए जब हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के गुणों को, प्रभुपाद के चरित्र को, आचार्य के चरित्र को सुनते हैं, तो इनका हम संग कैसे कर सकते हैं? इनके चरित्र को सुना, इनके गुणों को सुना, तो मनन करना पड़ेगा। थिंकिंग फीलिंग होगा, फिर विलिंग होगा, एक डिज़ायर उत्पन्न होगी, तो हमारी इच्छाएं इस ढंग से परिवर्तित होंगी। इसलिए गुरु के आदेशों को हम शांतिपूर्वक ग्रहण करना है ना। तो प्रहलाद महाराज कभी भी विचलित नहीं होते थे, कभी भी। हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि जब प्रहलाद महाराज को स्कूल में भेजा गया क्षण और अमरक के, तो पूरा तैयार करके उस क्षण और अमरक लाए, बेटा जाओ, अब पिताजी बोलेंगे कौन सी नई पोयम सीखी है आपने, है ना। तो पिताजी ने पूछा, बोलो क्या सबसे उत्तम चीज़ सीख के आयो, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, तत्साधु मन्ने असुवीर्य देहना सदा सुमद्गिन्धियम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमान्धकूपम मनोगतम श्री हरिम शरेत। तो बोले तत् साधु मन्ने असुर वीर्य देहिना, कि सबसे श्रेष्ठ चीज़ मैंने क्या सुनी है, हे असुरों में श्रेष्ठ, है ना। कितनी मधुर भाषा है है ना, कितने कुल्ली बोल रहे हैं, शांति से बोल रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ, क्या सुना है, समा सुमित गुण, हमेशा आप चिंतित रहोगे क्योंकि आप असत वस्तुओं से आसक्त हो। ये हित्वा आत्मवातम ग्रह अंध कूपम, जहाँ आप वो अंधे कुएं में हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें पाँच साल का बच्चा इतने बड़े दैत्य को सुना रहा है, जिससे बड़े बड़े देवतागण भ्रिकुटी हिलाते ही डर जाते थे, उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे। प्रहलाद महाराज में कितनी हिम्मत है, आप बोलो यार, पाँच साल का छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात बोले, हित्वा आत्म, जाओ छोड़ो इसको, वृंदावन में जाओ, हरि की शरण हो, उनके शत्रु का नाम ले रहा है, उनकी शरण में जाओ। ओ ऐसा हो गया क्या, उससे उठाया अपने गोद में और फेंक दिया नीचे। फिर बाद में सोना छोटा बच्चा है, कोई गाली गलौज सुन के आया था, जैसे वही बोल रहे हैं, उसको तो यही लग रहा था हरि का नाम गाली गलौज के समान तो उसको लगा गंदी गंदी बातें सीख के आ गया, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ कहीं से कुछ सीख लिया उल्टा सीधा, है ना। लेकिन शांतिपूर्वक हिरण्यकश्यपु से बात कर रहे हैं, बड़े शांतिपूर्वक। उसके बाद भी हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया, फिर उन्होंने सुनाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, दूसरा संदेश ये सुनाया, हिरण्यकश्यपु और कंठित हो गया, और हर बार इसको मारने का प्रयास किया, प्रहलाद महाराज हमेशा शांत रहे अंतिम समय तक। लास्ट एसिग्नेशन अटेम्प्ट हुआ जब हिरण पहला नरसिंह भगवान प्रकट होने, तब तक वो बिल्कुल शांत रहे और दृढ़ रहे, है ना। तो ये दृढ़ता और ये शांति प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं गुरु के आदेशों का पालन करके। और निष्प्रिय, इससे इतने लाभ हुए, कोई इच्छा नहीं रही, अच्छी अच्छी चीज़ें इंद्र तृप्ति की दिखाई दे रही थी, अच्छी अच्छी इंद्र तृप्ति की वस्तुओं के बारे में सुन रहे थे, कोई चिंता नहीं। क्यों? दांते इंद्रियां प्राण शरीर धी सदा, सदा पूरा नियंत्रण है अपनी इंद्रियों में और अपने शरीर में। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेशों को हमेशा उन्होंने स्मरण किया। ठीक है, तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद ये श्लोक है। अगला श्लोक संख्या 34 ना, तो हमारे साथ साथ ही बोलिए। यस्मिन् महागुणाराजन् गृहन्ते कविभिर्महो नाते अधुना पधीयन्ते यथा भगवीत ईश्वरे। इसका अनुवाद कोई पढ़े। आज प्रहलाद महाराज के सद्गुरु का यशोदा विद्वान संतों द्वारा
विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। तो ये हम चर्चा कर सकें कि जो गुण भगवान में होते हैं वो भक्तों में भी पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक के साथ साथ इस भौतिक जगत में रहते हैं, एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का ये दिव्य गुण पुरुषोत्तम भगवान की दूसरी योग्यता है। जिस प्रकार से भगवान गोलोक एवं सती अखिलात्म भूत हो, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज इस संसार में भी रहते हैं और साथ ही साथ वैकुंठ लोक में भी रहते हैं। तो ये गुण साधारण जीव में नहीं प्रकट होता, अनन्य भक्ति के कारण ऐसे गुण प्रकट होते हैं। तो शीला रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं कि दो प्रकार के सिद्ध जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं संप्राप्त सिद्ध। संप्राप्त सिद्ध होते हैं दो, जो सिद्धि को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, और संप्राप्त दो प्रकार के होते हैं, एक कृपा से और एक साधना से। तो प्रहलाद महाराज को प्रभुपाद लिखते हैं वो मिक्स्ड हैं, कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध के, है ना। तो कैसे हैं, तो नित्य सिद्ध तो हमेशा ही भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध संप्राप्त सिद्ध, और इसलिए उनको पूरे जो भगवान के गुण हैं वो सारे इसमें प्राप्त होते हैं। वैसे एक जीव के अंदर 50 गुण मैक्सिमम विकसित होते हैं, लेकिन नित्य सिद्ध जीव में 55 गुण तक विकसित हो जाते हैं। शिव जी में 55 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी 50 गुण होते हैं, और दूसरे कोई भी जीव 50 गुण तक मैक्सिमम करता है, लेकिन जो भगवान के पार्षद हैं नित्य सिद्ध हैं वो भी 55 गुण उनमें होते हैं। जैसे अंगानी यस्य सकलेन्द्रियवत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, कि किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी इंद्रिय के लिए कर सकते हैं, ये नित्य सिद्ध जीवों में भी है। मैंने प्रभुपाद चेतन चेतनामृत के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि ये गुण जीवों के अंदर भी है। तो जो हम अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान के गुण हमारे में विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज के गुण थे। अगला श्लोक, यम साधु गथा सदसी रिपवो अपि सुरा नृपा प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवा दृशा। अनुवाद पढ़े। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवतागण तथा तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहरित करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं असुरों के सभा में नहीं, देवताओं के, देवता तो असुरों के शत्रु हैं, वो भी प्रहलाद महाराज से गुणगान करते हैं, और आप भी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज अक्सर प्रहलाद महाराज को कोट करते हैं। गुणैरअल्पसंख्येर महात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गकीरति। यस, इसका अनुवाद पढ़ें। गुण अलम असंख्येर, इतने असंख्य गुण हैं तो क्या आवश्यकता है, जितना भी गुणगान करेंगे वो इनसफिशिएंट रहेगा, अपर्याप्त रहेगा। असंख्य गुणों की वो खान है, क्यों है उनकी, इसमें क्या कारण है, क्योंकि वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग की रति, भगवान वासुदेव में उनकी जो रति है नैसर्ग की है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। तो इस रति का अर्थ है आसक्ति या भाव। तो ये प्रेम से पहले की स्थिति है भाव, है ना। और जैसे कि रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि नौ स्थिति हैं श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, तो रति भाव को इंगित करती है। तो एक बारी शरण और अमरक ने प्रहलाद से पूछा कि भाई हम तो आपको ये सिखाते नहीं, ये बातें कहाँ से सीख रहे, ये बातें क्यों आपका कृष्ण से इतना आकर्षण है, इतना हरि से आकर्षण है, जो हमारे कुल का आपके पिताजी का नंबर एक शत्रु है, क्यों उससे आकर्षण है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ, जिस प्रकार से एक चुंबक से लोहा स्वतः ही आकर्षित हो जाता है, मैं स्वतः ही आकर्षित हो जाता हूँ, है ना। तो ये मेरे बस में नहीं है, है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति में इतनी शक्ति है,
हम हर जीव को वैसे ही आकर्षित होना चाहिए जैसे प्रहलाद आकर्षित हो रहे हैं। ये स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण चुंबक के समान है, जीव लोहे के समान है। लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति में आता है तो उस लोहे पे जंग लग जाता है, प्रकृति के तीन गुणों का। तो हम सब पे जंग चढ़ाव है ना। तो चुंबक, बड़े से बड़ा चुंबक भी लाएंगे, हम जाएंगे नहीं उसकी तरफ, क्योंकि जंग चढ़ाव है। तो उस जंग को हटाने के लिए क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम जो भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, इस जंग को, इस प्रदूषण को हटाने के लिए, ताकि धीरे 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 भगवान के प्रति हमारी रति बढ़े, हमारा आकर्षण बढ़े, है ना। तो इसलिए, लेकिन प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक है ये भाव। तो ये जो आगे के 5-6 श्लोक हैं, ये अब दिखाएंगे कि कैसी प्रहलाद महाराज की रति है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार की भक्ति हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति में आने का एक तरीका तो ये है कि हम साधना करके पूरे दृढ़ता से साधना करें, अनर्थ निवृत्ति करें, निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव की स्थिति में। और दूसरा तरीका वो बताते हैं कि इसी में हम पहुंच सकते हैं कृपा से, है ना। और फिर वो कृपा को भी 3 भागों में बांटते हैं, है ना। वाचिक कृपा, भगवान और वैष्णव की कृपा, एक वाचिक वचनों से, जैसे कि नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो उनके ऊपर कृपा हुई भक्ति वेदांत संतों की, तो वो वाचिक कृपा थी। दूसरा है दर्शन दान कृपा, भगवान दर्शन देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे उसी नारद मुनि बालक को भगवान ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए और फिर लुप्त हो गए, उनकी इच्छा को और बढ़ाने के लिए, दृढ़ करने के लिए दर्शन दान कृपा। और तीसरा बड़ी महत्वपूर्ण हराध कृपा, हृदय से अगर कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए शुभ कामना करता है तो हमें कृपा प्राप्त होती है। तो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि की ये हराध कृपा प्राप्त हुई। जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ कुयाधु के घर में थे और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया हुआ था, तो इंद्र ने उनका अपहरण कर लिया। इंद्र को लगा हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा आतंकवादी है, इसका बेटा भी आतंकवादी होगा, तो इस कयाधु का अपहरण कर लेंगे, जब कयाधु पुत्र को जन्म देगी तो फिर उसका वध कर देंगे। तभी नारद मुनि वहाँ पर आ गए और बोला नहीं नहीं, इनके गर्भ में बहुत बड़े एक महात्मा है। जैसे इंद्र ने सुना, इंद्र ने कोई बहस नहीं की नारद मुनि से, तुरंत कयाधु की परिक्रमा की उन्होंने, क्योंकि उनके घर में प्रहलाद महाराज थे, और चले गए और कयाधु को नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए। और नारद मुनि के हृदय में कृपा जागृत हुई कि इस बच्चे पे मुझे कृपा करनी है, और उस बच्चे को उन्होंने जो माँ के घर में था पूरे भागवतम सुनाई। कोयाधु ने भी भागवतम सुनी, लेकिन कोयाधु बहुत चिंता में थी, मेरे पति का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बेटे का क्या होगा, सुनी भी नहीं, कुछ ज्ञान ही अंदर भूल गई वो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु के संदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और क्योंकि नारद मुनि जी के हृदय में इच्छा थी कि इसका उद्धार हो, नारद मुनि जी उसके लिए शुभ चिंता की, इसलिए क्या हुआ, उनको शुरू से ही रति प्राप्त हो गई। इसलिए बोले नेचुरल था, स्वाभाविक था। ये जो नैसर्ग की शब्द है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये संस्कृत में निसर्ग शब्द से आया है, और इस निसर्ग शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अर्थ हैं। एक अर्थ है स्वाभाविक, और दूसरा अर्थ है दान, जो कि उपहार में प्राप्त होता है। तो दोनों ही अर्थ प्रहलाद महाराज पे लागू होते हैं, उनको एक उपहार के रूप में प्राप्त हुआ नारद मुनि से, और एक स्वाभाविक रति हो गई कृष्ण से। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, किसी प्रकार से महान भक्तों के हृदय को हम छू लें, उनके हृदय में शुभ कामनाएं हमारे लिए जागृत हो जाएं, हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। हमारी भक्ति ऐसे होनी चाहिए किसी आचार्य के, वर्तमान आचार्य वृंद और पूर्ववर्ती आचार्यों के हृदय को हम छू लें, है ना। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वां श्लोक है, ये श्याम तू अंधगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। हम भक्ति में दृढ़ कैसे हो सकते हैं जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों और पुण्य कर्म जागृत हो गए हों। तो बलदेव विद्याभूषण जिसकी टीका में लिखते हैं, भक्ति तो स्वतंत्र है, पुण्य कर्मों पर निर्भर नहीं करती, तो ये कैसे पुण्य कर्म है। तो फिर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म का अर्थ ये है, ऐसे कर्म जिससे कि पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो जाए।
अगर पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी भक्ति में दृढ़ता आएगी, तो उनकी हमें कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को नैसर्ग की रति थी, और यहाँ लिख रहे हैं वासुदेवे भगवती। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वही जो इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि नरसिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के प्रति वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। आगे जाके भी आएगा अगले श्लोकों में कि कैसे कृष्ण और गोविंद के नाम आएंगे श्लोकों में, नारद मुनि बता रहे हैं। तो कृष्ण से उनकी अनुरक्ति थी स्वाभाविक, और ये उपहार में प्राप्त हुई थी उनको नारद मुनि से। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 37 है ना। न्यस्त क्रीन को बालो जनमत मनयस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा ना वेद जगदीश। अनुवाद पढ़िए। अपनी बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतएव वे यह समझ नहीं सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। हाँ। तो न्यस्त क्रीड न कहा बाला, है ना, कोई भी खेल कूद में रुचि नहीं। कहा जाता है अक्सर पूरा हमारा बचपन निकल जाता है खेल कूद में, जवानी निकल जाती है अपोजिट सेक्स के आकर्षण में, बुढ़ापा निकल जाता है चिंता में। पूरी आयु तो ऐसे ही निकल गई तो भगवान के बारे में कब चिंतन करेंगे, समय सारा निकल गया। तो प्रहलाद महाराज बाल्यकाल में भी खेलते नहीं थे, और हमेशा क्या तत्मनस्तया, हमेशा कृष्ण के में पूर्णतया लीन कैसे रहते थे, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ऐसे रहते थे जैसे कृष्ण नामक ग्रह ने चिपक गया हो उनको। कोई बताते हैं ना ज्योतिष का चार्ट देख के, आपकी शनि की सप्तमी चल रही है, राहु ठीक नहीं है, मंगल सही ग्रह में नहीं है, जो भी काम करोगे ठप हो जाएगा, है ना, 3.5 साल तक वेट करो, है ना, होता है ना। तो व्यक्ति बैठारा वेट करता रहता है, अभी राहु ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है, तो उसका कोई भी काम करेगा ठीक नहीं चलेगा। इसी प्रकार से उनको कृष्ण ग्रह लग गया था, कृष्ण ग्रह लग के पूरे संसार में कोई रुचि नहीं रही, बिल्कुल बेकार। और वो हैरान होते थे कि लोग कैसे जी रहे हैं, ये बिना कृष्ण भक्ति के कैसे जी सकते हैं, कैसे ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, और जड़वत एकदम मूर्खों की तरह रहते थे। कोई सोचेगा पागल है, इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे, जड़वत रहते थे, क्योंकि कृष्ण ग्रह घृहित आत्मा, है ना। तो ऐसा ग्रह हमें भी लग जाए एकदम, है ना, तो बिल्कुल जड़वत, कोई लेना देना नहीं इस संसार से, और ना वेद जगत ईदृश्यम, ये किस प्रकार ये जगत चल रहा है, कैसे ये इंद्र तृप्ति में निमग्न है लोग, समझ नहीं आ रहा था, है ना। जैसे कि भगवद्गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं क्या है वो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मना। जो आम लोगों के लिए रात्रि है वो महात्मा के लिए दिन है, और जो आम जीवों के लिए दिन है वो महात्माओं के लिए रात्रि है। जिन क्रियाओं में महात्मा लोग सक्रिय रहते हैं अन्य लोग बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, और जिन लोगों में जिन क्रियाओं में अन्य लोग सक्रिय रहते हैं महात्मा जन बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, है ना। तो समझ नहीं आ रहा था कैसे इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं बोलते हैं ये कैसे सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो जो भक्त नहीं है उनको भक्त लोग पागल लगते हैं, क्या है इतनी युवा अवस्था में सर मुंडवा लिया, क्या कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया आपने, है ना। और जो भक्त उनको लगते हैं क्या अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, वो कहते हैं ये पागल है, वो कहते हैं ये पागल है। तो प्रभुपाद ने लक्ष्य दिया हु इज क्रेजी, है ना, कौन पागल है। तो एक बार गीता मैराथन चल रहा था, तो हमारे कोई दूर के संबंधी थे, आई मीन बिजनेस कॉन्टेक्ट में थे पिताजी के, तो मैं गया उनसे मिलने, बहुत बड़ा बंगलो था उनका, तो मैं गया तो सायंकाल था, ऑफिस के बाद गया था वहाँ पे, तो व्यक्ति मदिरा पान कर रहे थे, यंग थे, जानते थे बचपन में जानते थे, तो बहुत सालों बाद मिले, बोले आओ आओ बैठो बैठो, और क्या लोगे, लो यार तुम भी लो, मैं कह नहीं यार ये नहीं लगते, कह रहे बियर ले लो, मैं कह नहीं लगे यार
तो फिर बोलता अच्छा चलो यार क्या लोगे कोक ले को यार कोक में नहीं पिएगा क्या है कोक में नहीं पिएगा अच्छा चल चाय तो ले ले यार चाय भी नहीं अरे अरे क्या है यार ये जीना भी कोई जीना है यार ना सच्ची में उसने बोला और फिर मैंने उसको तरफ देखा क्या ये जीना भी कोई जीना है तो बोला क्यों ऐसा क्यों मैं कहा क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो बोला क्या है ऐसे कर रहे हो तो हम दोनों को एक दूसरे को बोल रहे थे बचपन में जानते थे फिर मैं उसको कुछ गीता दे के आया तो वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं कैसे इतने खुश रह सकते हैं संभव ही नहीं है और प्रहलाद महाराज को भी ये लगता था कैसे ही हैं और हमें भी ये महसूस होना चाहिए भक्ति करते हुए हमें भौतिक आकर्षणों से आकर्षित नहीं होना चाहिए क्या नया गाड़ी का मॉडल आया ये आईफोन का कौन सा नया मॉडल आया है ये कितने का है ये नया लैपटॉप कौन सा आया एप्पल का क्या आया ये इतना अच्छा है ये वो है कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए ठीक है भगवान की सेवा के लिए होगा उसको प्रयोग करेंगे लेकिन कोई भौतिक आकर्षण नहीं है और थोड़ा कैसे ये लोग बिना कृष्ण के जीवित रह सकते हैं है ना हैरानी होती थी ये जगत चल कैसे रहे बिना कृष्ण के तो पूरे जड़वत इसी प्रकार से भागवतम के पांचम स्कंध में देखते हैं जड़ भरत का उदाहरण आता है ना जड़ भरत इतने कॉशियस थे क्योंकि जानते थे पूर्व जन्म में गलती हो गई गलती से हिरण से आसक्त हो गया फिर हिरण बन गया अब ये जन्म प्राप्त हुआ अब कोई चांस नहीं जड़वत रहते थे लोग मूर्ख बोलते हैं बोलने दो मैं शांत रहूँगा है ना तो इसलिए घर में भी उनके पिताजी उनकी चिंता करते करते मर गए क्या होगा मेरा बेटा तो पागल है लेकिन वो चुप रहते थे उनकी माँ सौतेली थी बोले कुछ तो खाता पीता नहीं है जो सारे घर के लोग खा लेते थे जो उल्टा सीधा बच जाता था बर्तन में जो साथ में जल के लग जाता था उसको खुरच के उसको खाने को देते थे चुपचाप खा लेते थे है ना फिर बोले क्या करेंगे चलो खेत में इसको छोड़ दो कुछ करता रहेगा वहाँ चुपचाप चले जाते थे वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते थे जिनका उनका कृष्ण का स्मरण भंग हो जड़वती संसार से कुछ लेना देना ही नहीं कृष्ण ग्रहत ग्रहित आत्मा तो हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है हम तो थोड़े कुछ गड़बड़ हो जाए हम डिस्टर्ब हो जाएंगे लेकिन ये जानना चाहिए कि संसार में कुछ रखा नहीं है और फालतू की बातों में समय व्यर्थ नहीं गंवाना और जितना हम फोकस रह सकें अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर इसलिए बार बार हमें रिमाइंड कराना पड़ता है अपने जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन का लक्ष्य क्या है ना और इसलिए भक्तों के संघ का अर्थ ही यही है कि बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहे कि अपने जीवन के लक्ष्य पे फोकस रहे ना तो अगला श्लोक आसीना पर्यटन अश्नन श्याना प्रतिबिन ब्रुवन नानुसंधत एतानी गोविंद परिरंभिता अनुवाद पढ़िए प्लीज नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना चलना खाना सोना पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न होती थी यही नहीं कि संसार कैसे चल रहा है उनको ये भी खबर नहीं रहती थी कि शरीर कैसे चल रहा है इतना कृष्ण में लीन थे ये इतने इस लेवल के गुण हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन हम जान सकते हैं कि क्या स्थिति होती है जो व्यक्ति भाव और प्रेम की स्थिति में चला जाता है अपने शरीर की भी कोई सुध-बुध नहीं तो प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं कोई पढ़ेगा इसका तात्पर्य इसके बस माइक है पढ़े शक्तियां पूरी होती रहती है वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे जिनकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देखरेख करते हैं उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे यही कृष्ण भावनामृत है प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के ज्वलंत उदाहरण है कितना सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का जैसे एक छोटा बच्चा है वो चिंता नहीं करता माँ की गोद में ही खाता है पीता है मलमूत्र त्यागता है
माता ही सब कुछ उसको साफ सुथरा करती है और उसका आलिंगन करती है। तो गोविंद परिभ्रमित, कितना सुंदर गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि, उनके गुरु हैं कि गोविंद उनका आलिंगन कर देते, गोविंद द्वारा आलिंगित रहते थे। तो भगवान उनको अपने छोटे बच्चों की तरह पालते थे, उनको कोई चिंता ही नहीं कि कब मैं खाऊंगा, कब सोऊंगा, कब विसर्जन करूं, कुछ चिंता नहीं। तो गोविंद द्वारा आलिंगित थे, है ना। इसी प्रकार से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उदाहरण देते हैं कि कोई भी साधक अपने जीवन की हर परिस्थिति में अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करता रहेगा तो उसकी स्थिति वैसे ही होगी, भगवान जैसे उसको गोद में उठा लेंगे, है ना, और उसकी हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो ये जो महामंत्र है, इसे कॉल फॉर प्रोटेक्शन, है ना, कॉल फॉर एक्सेप्टेंस, कि ये भगवान मेरी सुरक्षा करे, मुझे स्वीकार करे, तो हर परिस्थिति में हम ये करेंगे तो भगवान भी हमारा वैसा ही लालन पालन करेंगे, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित, अपने शरीर की सुध-बुध में नहीं। तो ये है लक्षण नए स्वर्ग की रति के, जब किसी को कृष्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण है। नेक्स्ट, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतना, क्वचिद उदती वैकुंठ चिंता शबल चेतना, क्वचिद हसती तच्चि आह्लाद गायती क्वचित। धन्यवाद। इसका अनुवाद, कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। हाँ, तो इसमें एक और सुंदर तात्पर्य पढ़ें। तात्पर्य, इस श्लोक से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, अतः वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौट कर बच्चे को लाड प्यार करती है त्यों ही बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो उठता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ हैं। इसी व्याख्या में श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं या अदृश्य हैं तो वह विरह में रोता है, और जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली के लिए लौट आए हैं तो वह हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक यह समझकर हंसता है कि उसकी माता उसकी देखभाल कर रही है, ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भावों का पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भाव पूर्ण भक्त के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। तो कभी प्रहलाद महाराज अचानक बैठे बैठे रो रहे हैं तो बड़े क्या हो गया, कभी हंसना शुरू कर देंगे, है ना। तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी उस स्वर में गाते हैं, कभी हर्षित हो जाते थे। तो एक साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं पाएगा उसको क्या हो गया, लेकिन वो क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि भगवान आ गए हैं, भगवान ने उनको पकड़ लिया है। अगले श्लोक में उनको भगवान का स्पर्श महसूस होता था तो वो हंसते थे, और फिर कभी जब भगवान उनसे अदृश्य होते थे तो रोते थे, है ना। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, बालक के सामने जब माता आती थी तो हंसते थे, माता दूर चली जाती थी तो रोते थे। इसी प्रकार से हम भी कृष्ण को पुकारते हैं, है ना। प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारी चैंटिंग कैसे होनी चाहिए, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ऐसे रो रो कर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, और आएंगे और फिर हमें अपने को हमें संभालेंगे। तो एक बार वैष्णव महाराज बता रहे थे कि एक बार एक बच्चा है झूले में पड़ा है या बेड पे रखा हुआ है, माँ रसोई में काम कर रही है, अचानक बच्चा बेड से गिर गया, जोर से गिरा, रोने लगा, माँ भाग के आई, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए माँ ने एक मिठाई भी दी। बच्चे ने मिठाई देखते ही शांत हो गया, मिठाई खाई शांत हो गया,
माँ उसको बिठाना बेड पर रखे फिर चली गई। बच्चे ने मिठाई तो बड़ी अच्छी थी, ये तो बढ़िया, चलो दोबारा रोता हूँ, है ना। फिर से रोने लगा हुआ वह वह, माँ समझ गई बेड पर लेटा हुआ गिरा तो है नहीं, ऐसे ही रो रहा है। तो माँ भी बोलती है अच्छा आ रही हूँ, और रोने लगा हुआ। माँ भी ठीक है, वो भी ऐसे रो रहा है। बाल भी ऐसे बोली आ रही हूँ, टालती जा रही है, वो भी रोता जा रहा है, माँ भी टालती जा रही है। फिर बाद में आया, क्यों ऐसे रो रहा है? बोले क्यों नहीं मिठाई लाई, पहले तो आप आए थे मेरे लिए मिठाई लाए थे और अब तुम ऐसे ही आ गए हो। तो माँ ने कहा पहले तुम मेरे लिए रो रहे थे तो मैं आई थी, अब तुम मिठाई के लिए रो रहे हो। तो हमारी चैंटिंग भी ऐसी होती है, हम जब चैंटिंग कर रहे होते हैं हम दुनिया भर की चीज़ों के लिए रो रहे होते हैं, है ना। तो भगवान नहीं आएंगे, बोले मुझे पुकार ही नहीं रहा। तो जब हम भगवान को पुकारेंगे तो अपने आप मिठाई भी आ जाएगी, भगवान भी आएंगे, है ना। और जब मिठाई की चिंता करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो भगवान को रो रो कर पुकारना है हमें, है ना, बहुत आवश्यक है। अगर हमें रोना नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारी, इसका मतलब इस संसार में हम बहुत कंफर्टेबल हैं, चारों तरफ से कष्ट मिल रहे हैं फिर भी हम सेटल्ड हैं इसमें, है ना। ये बदजीव की बड़ी बड़ी व्यथा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि अगर बदजीव नर्क में भी चला जाता है वहाँ भी सेटल हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। उसको तप्त सुरमी नर्क में डाला गया कि एक जलते हुए पुरुष हो या स्त्री से उसको संग करना है, तो जबरदस्ती संग कराया जाता है एक जलते हुए लोहे की पुरुष या स्त्री से जिसने अवैध संबंध किए हैं, तो करता है तो खूब उसको पीछे से मारा भी जाता है। उसको लगता होगा चलो कुछ तो संग करना क्यों मिल रहा है, यहाँ पे नरक में पिटाई भी हो रही है, कष्ट भी मिल रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक सुअर को मल खाने की आदत पड़ जाती है उसी में खुश है वो। तो ये हमारी स्थिति है संसार में, हम जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हम सोचते हैं नहीं कि हमारी कितनी दुर्दशा है। तो रोना आना चाहिए, रोना नहीं आ रहा तो गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि वी हैव ओपन क्राइंग स्कूल्स, रोने की प्रैक्टिस करें, है ना। रोना नहीं आ रहा तो इस बात पर रोना आना चाहिए कि रोना क्यों नहीं आ रहा, इस बात पर भी रोना नहीं आ रहा कि रोने पर रोना नहीं आ रहा तो और रोना चाहिए, है ना, कि क्यों रोने को आना चाहिए फिर भी रोना नहीं आ रहा, फिर भी रोना नहीं आ रहा। तो ये प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कहना चाहिए कब मैं आपको रो रो के पुकार सकता हूँ, है ना। और इसमें हम क्या करना चाहिए, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचारी क्लास में कि हमारी चैंटिंग में अपने हमें हृदय को इन्वॉल्व करना चाहिए, हमारे हार्टलेस चैंटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। एक केवल ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं होना चाहिए, प्रभुपाल लिखते हैं हमारा जो जप है ये केवल एक रिचुअल नहीं है। कई बार हम अपनी साधना को एक रिचुअल लेते हैं, है ना, फटाफट साधना ख़त्म करो। हमारे लिए जब चैंटिंग करते हैं तो जो बाहर की साक्षी माला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अंदर की बीट है उससे ज़्यादा, है ना। किसी ढंग से ये नीचे होता रहे वो क्या चल रहा है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक भक्त साथ में था। अब ट्रेन में तो आप जानते ही हैं जब करते हैं नींद करना शुरू हो जाता है, वैसे जब से इतनी सुंदर नींद आती है और ट्रेन चल रही तो फिर अलग ही है। हरे ऐसे उसके जब चल रहा था तो संघर्ष कर रहा था बेचारा, हरे कृष्ण नींद आ रही है। फिर नहीं, कुछ समय के बाद ऐसी नींद में नीचे कर दिया उसने माला। मैं क्या वाह कमाल हो गए प्रभु, इतना अटेंटिव तो कभी नहीं कोई हो। ऐसी अवस्था में भी वो भूला नहीं इसको नीचे करना है। पूरा मंत्र नहीं बोला जा रहा लेकिन ये नीचे जरूर करना है, इतनी मेहनत की ऐसे कैसे छोड़ दूंगा भाई। कैसे भी टूटा फूटा नाम लिया कुछ तो लिया है, ऐसी मेहनत दोबारा करना पड़ेगा, इसको तो नीचे जरूर करूंगा। इसके लिए हम बड़े अटेंटिव हैं लेकिन नाम कैसे ले रहे हैं इसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं जाता ना। तो एक रिचुअल है हमारे लिए, है ना। सो ससुर महाराज जपा रिफॉर्म बुक में लिखते हैं ना, वी आर जस्ट चैंटिंग आवर राउंड्स, वी आर नॉट चैंटिंग द होली नेम, है ना। राउंड्स चैंट कर रहे हैं, 16 माला हो जाएंगे जंग से, वी आर चैंटिंग द होली नेम। अगर हरि नाम का जप करेंगे तो भागवत में दूसरे स्कंद में लिखा है हृदय पिघलेगा ही पिघलेगा, रोना आएगा ही आएगा, शरीर के बाल खड़े होंगे ही होंगे,
हृदय कोमल होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। और ये सब ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब हृदय हमारा फौलाद का है, यानी कि निश्चित रूप से अपराध हो रहे हैं। और सभी अपराधों की मूल है, माता है, जननी है ध्यानपूर्वक जप ना करना। इसलिए इसको भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं प्रमाद है, ये पागलपन है। इतना कुछ सुनने के बाद भी ध्यानपूर्वक जप ना करना पागलपन है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, इतना सुख जाने के बाद भी। तो इसलिए ये हम इस अवस्था में पहुँच सकते हैं अगर हम शुरुआत करें ध्यानपूर्वक जप से, और जप को एक रिचुअल ना समझें। क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम है, और कोई तपस्या हम कर नहीं सकते। हम लोग हिरण्यकश्यप की तरह तपस्या कर नहीं सकते कि एक पाँव पे खड़े हो जाएं और खड़े रहें तपस्या करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। और कोई तपस्या लागू नहीं होती, केवल हरि नाम ही है। उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, रिचुअल करेंगे तो कैसे चलेगा। तो साधना को रिचुअलिस्टिक नहीं करना चाहिए। कभी हम जब प्रसाद पाते हैं तो बड़े उत्साह से पाते हैं, है ना, पाना भी चाहिए उत्साह से, कोई गलत बात नहीं है। तो प्रसाद को रिचुअल नहीं समझते, चलो यार जो भी है क्या है खा लिया से, ठीक ना, बड़े उत्साह से रुचिपूर्वक पाते हैं, क्या बनाया है, कैसे है, कितना बनाया है, ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, और अच्छी बात है। इसी ढंग से साधना में भी पूरी रुचि होनी चाहिए और पूरे उत्साह के साथ हमें जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तभी हरि नाम का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। ओके, पूर्ण रूप से उसका हम लाभ उठा पाएंगे। और दूसरा श्लोक, नदति क्वचित उत्कंठा विलज्जो नृत्यते क्वचित क्वचित भावनायुक्ता तत्मया अनुचकारः। पढ़िए अनुवाद। कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते, कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते, कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। हाँ, पूरे प्रेम के लक्षण हैं। जैसे हम देखते हैं गोपियाँ भी भगवान के विरह में जब थीं तो यही लक्षण थे, है ना, कि वो भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं। कोई गोवर्धन पर्वत उठा रही है, कोई रासलीला कर रही है, कोई अघासुर का वध कर रही है, है ना, कोई कालिया का दमन कर रही है। तो इस प्रकार से वो लीलाएँ करते थे भगवान के विरह में। और कभी कभी भगवान को उनको लगता था प्रहलाद महाराज को भगवान आ गए हैं, और भगवान को आ गए तो भगवान हर्षपूर्वक नाचना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से इस सभी प्रेम के लक्षणों की उन्होंने वर्णन किए हैं। और अगला श्लोक, क्वचिद उत्पुलका तूष्णिम आसते संस्पर्श निवृता अस्पंदा प्रणयानंद सलीला अमिलत ईक्षणा। स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमिलित नेत्रों से आश्रु लुढ़कने लगते। हाँ, तो लगते हम सब के लिए ये सारे लक्षण केवल थ्योरी की बातें हैं, है ना, लेकिन हम जान सकते हैं कि प्रहलाद महाराज कितनी उन्नत अवस्था में थे, और इन लक्षणों की हम नकल नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस से ही प्रकट होंगे, कृपा से प्रकट होंगे, है ना। सावतम श्लोका पदारविंद्यो निर्वेशया किंचन संगलब्ध्या तन्मन पराम निवृत्तमात्मनो मोह दुसंग दीनस्य मनाशमम्यधात। यस, पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त करते थे। हाँ, प्रदान करते थे। तो इसका तात्पर्य पढ़िए कृपया करके। एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता, लेकिन चूँकि भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता होती है, अतः प्रहलाद महाराज कभी भी
हिरण्यकश्यपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे, उल्टे भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके मित्रों के मन बदलते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मनों को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं के कुलसित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाता है। सुंदर तात्पर्य है ना। तो भक्तों के आचरण को देखकर, प्रहलाद महाराज के प्रेम के लक्षणों को देखकर जो नास्तिक लोग भी होते थे वो भी शुद्ध हो जाते थे और उनको भी भक्ति प्राप्त होती थी, उनको भी आनंद प्रदान होता था। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हालांकि प्रहलाद महाराज इतने कष्ट में थे लेकिन फिर भी एक्सटेसी में रहते थे, क्योंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। प्रभुपाद जी इतने कष्टों में थे फिर भी आनंद में रहते थे। जब वहाँ हिप्पीज के बीच में प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद के सामने वो बैठते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। हिप्पीज के दो नियम थे, गोल्डन रूल्स थे, है ना, कि जो भी लोग 30 साल से ऊपर हैं वो पागल हैं और हम किसी के आदेश नहीं सुनेंगे। दो उनकी इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब कि उनके गोल्डन रूल्स थे। लेकिन प्रभुपाद के सामने दोनों अपने गोल्डन रूल्स तोड़ दिए, है ना। 70 साल के व्यक्ति हैं और उनसे सुनने को आ रहे हैं, और जो भी सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। प्रभुपाद का बंगाली एक्सेंट था और बीच में प्रभुपाद कहीं संस्कृत के श्लोक भी बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उनको लगता था जो ये व्यक्ति है बहुत विशेष है, इसके हृदय में हमारे लिए प्रेम है, उनसे वो आकर्षित हो जाते थे। और प्रभुपाद से आकर्षित होकर उनका पूरा हृदय बदल गया, है ना। इसी प्रकार से जयानंद प्रभु, है ना, जयानंद प्रभु भक्ति में इतने उत्साहित रहते थे कि उनको उत्साह कर देख कर लोग आकर्षित हो जाते थे ना। एक बार एक नया व्यक्ति आया और देख रहा था मंदिर में, तो जयानंद प्रभु बड़े आनंद से सफाई कर रहे थे, गार्बेज उठा रहे थे, कूड़ा करकट उठा रहे थे, तो बड़े आनंद में आए। और फिर उनको लगा इस मंदिर में कूड़ा करकट उठाने वाला इतने आनंद में है तो बाकियों की क्या स्थिति होगी, है ना। और उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया, है ना, है ना। बड़े यहाँ कूड़ा करकट उठाने वाला ऐसे आनंद में है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी ना। कूड़ा करकट उठाने वाला कोई आनंद में दिखता है हमें, है ना, ना। तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति आनंद में है। तो इसलिए भक्तों का उत्साह देखकर जो अभक्त होते हैं उनके हृदय में परिवर्तन आता है ना। एक बार यूक्रेन में बहुत ठंड थी, -20 डिग्री टेम्परेचर और बहुत डिप्रेसिंग वातावरण, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला चलो हरि नाम पे निकलते हैं, है ना। भक्तों ने बोला क्या इतनी ज़बरदस्ती करो, ऐसे वातावरण में ठंड में कौन जाएगा, कौन मिलेगा भी कौन सड़क पर। बोले यही एक तरीका है, इतना डिप्रेसिव वातावरण है, इसका एक ही एंटीडोट है, हरि नाम से चलो बाहर निकले। धक्का मार के सबको बाहर निकाला, और बर्फ़ गिर रही है, इतना ठंड है, इतना बेकार सा वातावरण है, भक्त लोग ज़बरदस्ती नाच रहे हैं ना, और नाच रहे हैं। तब एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे आया, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ऐसे वातावरण में नाचते हुए देखकर कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है ना। मैं बिल्कुल निराश हो गया था लेकिन आपको ऐसा देखकर मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही है। लोग इस संसार में बहुत हताश हैं, नहीं भक्तों को देखते हैं नाचते हुए कूदते हुए प्रसन्न मुद्रा में, तो वह हैरान होते हैं, ये इतने प्रसन्न कैसे हैं, ये क्या है इनके पास, कैसे कोई इतना नाच सकता है ना, हैरान हो जाते हैं लोग, है ना। इन संसार में लोगों को नाचना पड़ता है तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसके बाद वो पागलों की तरह वो नाच सकते हैं। नहीं, यहाँ तो भक्त लोग आनंद से नाची जा रहे हैं, नाचे पसीने से लथपथ हैं फिर भी नाची जा रही हैं, नाची जा रहे हैं, और इतने खुश दिखाई दे रहे हैं सब, क्यों, कहाँ से खुशी प्राप्त हो रही है, तो लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए भक्त को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, है ना। चाहे जितने मरिए वो संकट में क्यों ना हो, ये भी एक साधना है ना। टू रिमेन एंथुजियास्टिक इज आल्सो ए साधना, ये तपस्या है ना। हम बोलेंगे नहीं, जब मेरे अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तब मैं खूब नाचूंगा। अरे जैसे मर्जी परिस्थितियों नाचो, खूब गाओ, जब तक ये शरीर ठीक है नाचते रहो, गाते रहो, उत्साहित रहो, और ये तपस्या करते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। और क्या होगा, हमारे से उत्साह को देखे, हो सकता है प्रहलाद महाराज कितने कष्ट थे, ऐसे कष्ट तो हमारे जीवन में कभी नहीं होंगे, खैर
हमारे जीवन के छोटे मोटे कष्ट होंगे, किसी ने कुछ हमारा अपमान कर दिया, हमारी बात नहीं मानी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसी को हम इतना बड़ा बना लेते हैं सोचते सोचते कि भक्ति में सारा उत्साह कम हो जाता है। ये सब बातें जो है संसार चलता रहेगा, लेकिन भक्ति को हम बिल्कुल हमेशा जब भी रहें उत्साहित होकर करते रहें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी की एक्सटेसी को देखकर, प्रभुपाद जी के आचरण को देखकर पूरा विश्व बदला है ना। इसी प्रकार से जब भी भक्त लोग बाहर जाते हैं, भक्तों के आचरण को देखकर, भक्तों के उत्साह को देखकर, अब भक्तों के हृदय में आशा की किरण उत्पन्न होती है। चैतन्य चैतन्य के अंत्य लीला में जब वो प्रसंग आता है कि शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता गया है ना पार्टी में, और उस कुत्ते का पूरा ध्यान रखा शिवानंद सेन ने, वो कुत्ता फिर बीच में गायब हो गया। शिवानंद सेन ने 10 लोगों को भेजा उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, वो नहीं मिला। तो शिवानंद सेन को इतना दुख हुआ, उस दिन उन्होंने उपवास रखा। और जब वो जगन्नाथपुरी में पहुँचे और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, देखा वही कुत्ता सामने बैठा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के साथ, और महाप्रभु नारियल खुद खा रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं, अपना प्रसाद दे रहे हैं, और कुत्ता वो प्रसाद पा रहा है, और प्रसाद पाते पाते कुत्ते का उद्धार हो गया, वैकुंठ धाम चला गया है ना। और फिर शिवानंद सेन ने उनको दंडवत प्रणाम किया कि आपसे मुझसे कुछ अपराध हुए वो क्षमा करें। तो वहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिवानंद सेन प्रभु का संग करके उस कुत्ते का भी उद्धार हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा भावनामृत आंदोलन के भक्तों को अपने आप को इतना शुद्ध रखना चाहिए कि कोई भी उनके संपर्क में आए उसका उद्धार हो जाए, है ना। इतना सुंदर प्रभुपाद का तात्पर्य है कि हमारा कर्तव्य है कि हम चार नियमों का इतना श्रृंग से पालन करें, हरिनाम का इतना अच्छा जप करें, हमेशा भक्ति में उत्साहित रहें कि हमारे उत्साह को देखकर जो अभक्त लोग हैं उनका उद्धार हो जाए। और मैंने देखा है कि हम जब हम बाहर जाते हैं तो लोग बहुत हमें ऑब्जर्व करते हैं, ये लोग कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। एक बार अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि वो चंडीगढ़ जा रहे थे या पंजाब में कहीं जा रहे थे, शताब्दी में बैठे थे, तो शताब्दी में खाने को सर्व किया जाता है, तो अमोघ लीला प्रभु ने मना कर दिया, मैं नहीं लेता। कहे ले लो, साथ में भी बैठा था, लंबा सफ़र है, भूख लगे, कहते हम लगे, चलो रख दो जी हम ले लेंगे, ऐसा उसने बोल दिया। तो उस व्यक्ति ने अपना जो खाना खा लिया, अमोघ लीला प्रभु ने कुछ नहीं खाया। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोला स्वामी जी ले लीजिए, अच्छा ये ड्रिंक्स तो ले लीजिए, आपको भूख लगी हुई, अरे ये तो ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा हो गया, काफ़ी समय हो गया, तो उसने बोला एक बात कहूँ, बोले हाँ, कि मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आप कितने पक्के हैं, तो मानना पड़ेगा आप बहुत पक्के हैं इतना लोग देखते हैं, है ना एक बारी हमारा कांग्रेशन का ट्रिप जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो हरि नाम जप करे, तो एक व्यक्ति आया, कहते आप ये क्या करते हैं, मैं माला करते हैं, कहते बड़ा अच्छा है, अच्छा इसमें बीच में आप कुछ भी बातचीत कर सकते हैं बीच में, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहते हम तो देख रहे हैं आपके भक्त लोग माला भी करें, बीच में हंसी मजाक भी चल इधर उधर भी चल रहे, तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो कैसा ये मेडिटेशन कैसा है, मैं कह नहीं ऐसा नहीं होता है ना। एक बार मैं आ रहा था चंडीगढ़ से, तो मैं जब कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरा आगे बैठा था, बार बार मुड़ के मुझे देख रहा था, मैं जब कर रहा था वो फिर मुड़ के देख रहा था। न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरे तो उसने बोला एक्सक्यूज मी आपसे एक बात करनी है, मैं कहा, कहते हैं आप ये जो कर रहे हैं ये मेडिटेशन है ना, हाँ, कहता इतना जल्दी जल्दी क्यों करते हैं आप, ऐसे सब कर रहे हैं आप, भगवान का नाम ले रहे हैं आप, धीरे धीरे आराम आराम से लीजिए, ऐसे आप कैसे ध्यान लगा लेंगे इतना जल्दी जल्दी आप बोलते हैं, यार इतना ऑब्जर्व करते हैं फिर उससे बैठ के बातचीत किया, उसको हमने क्लैरिफाई किया क्या है, लेकिन कहने का अर्थ है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। हम पुस्तक वितरण में जाएं, हरिनाम संकीर्तन में जाएं, हमें उत्साही दिखना चाहिए, मंदिर में लोग आए हमें देखें कि ये भक्त लोग कितने, इनके चेहरे पे इतना दिव्य तेज है और कितने आनंद में हैं, इतने खुश हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो वैकुंठ हैं हमारे मंदिर, है ना, ये पूरा संसार एक रेगिस्तान के समान है और ये एक मरुद्यान ओएसिस के समान है, जहाँ पे आके लोगों को राहत मिलती है, कुछ आशा दिखाई देती है, अन्यथा पूरा जगत निराशाजनक है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि पूरे संसार को हम आशा दिखाएं, होप दें, दिस इज़ द ओनली होप कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो इसलिए ये जो लास्ट तात्पर्य में प्रहलाद महाराज इतने कष्ट में थे, लेकिन केवल उनकी एक्सटेसी, उनके प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखकर उनका दूसरे लोगों का हृदय शुद्ध हो जाता था और वो भी भक्त बन जाते थे। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि के द्वारा कुछ गुणों का गुणगान हुआ। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकश्यपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि यह उसका अपना ही पुत्र था। तो क्या हिरण्यकश्यपु होगा, इतने गुणवान प्रहलाद महाराज को उसने सताया। तो इसी कारण से भी नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है, यानी कमेंट्स? यस, हरे कृष्ण गुरु जी। आपने बताया कि जो हमारा जो साधना है उसको हमको रिचुअलिस्टिक तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें इतने दिन में ये कर देना, तो उस समय हमें अचीविंग मोड में हम लोग आ जाते हैं, तो उस चीज़ से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? टारगेट फिक्स करना अच्छा है कि चलो इतने दिनों में हम ये कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए रिचुअलिस्टिक नहीं, आप कृपा पर निर्भर रहते हुए सेवा के मूड में, कोई भी हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है तो ये सेवा कर रहे हैं, कोई रगड़ नहीं है इतने दिनों में इसको पढ़ के दिखाना ही है। पढ़ भी लोगे तो फ़ायदा क्या है, अगर इस ढंग से ऐसा फटाफट पढ़ लोगे, ये हम सेवा कर रहे हैं। तो पूरा गुरुजनों को प्रणाम करके, भक्तों की कृपा लेके सेवा का प्रयास करना है। हे भगवान, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपके विषय में जान सकूँ, अपने आप को प्रकट कीजिए। जो भागवतम है, भागवत गीता है, भगवान से अभिन्न है, इसको हम खुद यूज़ नहीं कर सकते, खुद प्राप्त नहीं कर सकते अपने इंटेलिजेंस से, जब भगवान कृपा करेंगे तभी प्रकट होंगे। तो ये टारगेट लेकर चलें, है ना, इट्स नॉट लाइक अचीव करना है इसको, मैंने सेवा करनी है। हाँ, आप ये टारगेट ले सकते हैं कि कम से कम दिन में मैं 5 घंटे 6 घंटे, अगर आप ऐसा कुछ पढ़ा लेके चल रहे हैं, इसकी मैं सेवा करूँगा, ध्यान पूर्वक सेवा करने का प्रयास करूँ, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? यस। हरे कृष्ण जी, आपने वो बताया था ना कि सिंफुल रिएक्शन की वजह से, सिंफुल मतलब ऐसा हम सुनते थे कि सिंफुल रिएक्शन की वजह से जो है हम लोग मतलब भक्ति में इतना अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब इतना ध्यान से नहीं कर पाते हैं, पर जैसे हमारे सिंफुल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, भक्ति तो उसके इंडिपेंडेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार मतलब क्लेरिफाई करेंगे। हाँ, फिर बताएंगे। पाप जो हैं, पूर्व जन्मों के पाप, हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना, एक अनर्थ है। तो पाप के परिणाम हैं दुख होते हैं, और वो दुखों से हम कई बार इतने ग्रसित हो जाते हैं कि भक्ति से विचलित हो जाते हैं, है ना। पुण्य कर्मों का लाभ है सुख, उसमें हम इतने विचलित हो जाते हैं कि भक्ति से गिर जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बताते हैं कि कई प्रकार के अनर्थ होते हैं, है ना। तो एक सुकृतो उठा अनर्थ, दुष्कृतो उठा अनर्थ, पाप से उठे हुए अनर्थ और पुण्य से उठे हुए अनर्थ। ये जो हैं भजन क्रिया के, जब हम हरि नाम लेते हैं तो उनका नाश हो जाता है, सर खत्म हो जाते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करके। तो लेकिन जो भक्ति है, जो बताया जा रहा है, ये भक्ति साधारण पुण्य कार्यों पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत कंबल बांट दिए, गांवों में कुएं खुदवा दिए, फ्री खाना बंटवा दिया तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति प्राप्त होती है भक्ति उन्मुख सुकृतियों से, जब हम किसी वैष्णव की अनजाने में सेवा कर देते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे होते होते हमें भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर हमें भक्ति प्राप्त होती है। यानी भक्ति ही भक्ति से प्राप्त होती है, भक्ति की जननी कोई पुण्य नहीं है, समझे ना। तो फिर उस श्लोक में आ रहा है कि जिसके पुण्य कर्म जागृत हो जाए उसको भक्ति मिलेगी, तो ये कौन से पुण्य हुए? तो ये बोले ये पुण्य हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा, ऐसे कर्म जिनसे पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो जाए। ऐसे बोलते ना कि अभी हमारे सिंफुल रिएक्शन है जिसकी वजह से जो है हम उसको अभी सही से समझ नहीं पा रहे क्लैरिटी से। हाँ, तो वो मैंने बताया ना, उसके कारण अनर्थ है, सिंफुल रिएक्शन हमारे अनर्थ के समान है, वो हमारे भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो हम जब हरि नाम लेंगे,
और गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। वो इफेक्ट डालते हैं? हाँ, वो इफेक्ट डालते हैं, लेकिन भक्ति इनके ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति का जन्म, भक्ति का उदय हमारे हृदय में पुण्य कर्मों पर निर्भर नहीं है। पाप से तो आएगी नहीं किसी भी तरीके से, पाप से तो भक्ति में थोड़ा वो लगता है कि शायद हम पुण्य कर लें हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। नहीं, ऐसे पुण्यों से भी भक्ति नहीं मिलती, भक्ति केवल भक्तों की कृपा से ही मिलती है। लेकिन भक्ति करते हैं, जब साधना करते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो हमने पाप किए हैं उसके परिणाम से हमारी भक्ति का साधना करने में कठिनाइयाँ आती हैं, अटकलें आती हैं। लेकिन उसका उपाय भी हरिनाम ही है। हरिनाम लेते रहेंगे तो उसका, उससे हम ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे अभी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी भक्ति की और उनका जो वंश था उनका उद्धार हो गया। सेम जैसे दुर्योधन है, तो हालांकि उसने सारे गलत काम किए लेकिन फिर उसके भी परिवार का तो उद्धार हो गया, तो दोनों को कैसे समझेंगे? हाँ, तो ऐसे तो भगवान की विशेष कृपा है ना। हाँ, वो जो उद्धार होता है, असुरों का भी उद्धार करते हैं भगवान। असुरों का उद्धार नहीं करते क्या? करते हैं ना, शिशुपाल का उद्धार कर दिया। तो उद्धार जब भगवान असुरों का करते हैं तो उनको फिर सयुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। वो भक्तों के लिए नरक के समान है। किसी ना किसी तरीके से आप भगवान से संबंध स्थापित करेंगे, द्वेष से भी करेंगे, काम वासनाओं से भी करेंगे, तो नारद मुनि जी बोल रहे हैं आपका उद्धार तो हो ही जाएगा, भगवान इतने कृपालु। लेकिन भक्तिया माम अभी जाना थी यावण चासी तत्मता, मुझे तत्व से तो भक्ति ही जान सकता है। जो प्रेम में संबंध है वो भक्ति ही स्थापित कर सकता है। असुरगण भगवान के शरीर में लीन हो गए, सायुज्य मुक्ति मिलेगी, उससे क्या उनको मिलेगा? कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ आए? ठीक नहीं है, हैं? नहीं, भगवान के धाम ऐसे बिना भक्ति के कैसे जाएंगे? हाँ भी उत्पाद मचाएंगे फिर। जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी तो कैसे चले जाएंगे? हृदय शुद्ध होगा तभी जाएंगे ना। उनको लीन कर दिया, उनका अस्तित्व समाप्त हुआ, सयुज्य मुक्ति में गए, वो वहीं पड़े रहेंगे। अस्तित्व तो बना रहता है लेकिन सयुज्य मुक्ति होगी, भगवान में लीन हो गए बस, या दिव्य ज्योति में चले गए। यस, क्या करना? परोपकार, जैसे हम तालाब खुदवा देते हैं या कुआं बनवाते हैं या फिर कंबल बंटवाते हैं या भक्तों के लिए कुछ सामान अर्पित कर रहे हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए या किसी अन्य के लिए जिस जो जरूरतमंद है। अच्छा, लेकिन एक श्लोक है कि अष्टादशे पुराणेषु शारम व्यसनम कीर्तितम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। तो इसको किस तरह से देखा जाए, इसका अर्थ भी बता दीजिए। कुछ तो समझाइए हमें, क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें दिया हुआ है कि व्यास जी के दो ही वचन हैं। किसके? व्यास जी के। हाँ। कि पुण्य काम जो है, परोपकार करना पुण्य है। हाँ। और दूसरे को पीड़ा देना पाप है। ठीक बात, कोई बात नहीं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन परोपकार से भक्ति नहीं आएगी, हम ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ। बात जब आई कि पुण्य काम से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। हाँ। तो भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? क्या केवल भक्तों का संग ही जरूरी है? हाँ, या इसके बाद भी कुछ चाहिए? नहीं, कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि भक्ति का जन्म भक्तों का संग है, बस।
और कुछ नहीं। ये कुएं खुदवाने से ये पुण्य है, परोपकार के कार्य एक एक स्तर पे हैं। भक्ति बहुत बहुमूल्य है, ऐसे साधारण कामों से भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक भक्तों के हृदय से, उनके हृदय में स्थानांतरित होती है, भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग में ही भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तराज प्रहलाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह चतुर्ऋषि महामहोत्सव की, नेताई गौर प्रेमानंदे।